24 टीवी नेटवर्क पे मैं चित्रा शर्मा हेल्दियर लाइफस्टाइल लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा एपिसोड जो है वो अल्ट्रासाउंड पे आधारित है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे भिवाड़ी की जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रुति सांगवन हैं। डॉक्टर श्रुति सांगवन, आपका 24 टीवी नेटवर्क पे हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर श्रुति, मेरा पहला सवाल आपसे है, अल्ट्रासाउंड क्या है और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और इनके रेडिएशंस में जब रेडिएशंस होते जो हैं वो कितना हार्मफुल है पेशेंट के लिए, तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। चित्रा जी, अल्ट्रासाउंड एक तरह की मशीन है जो साउंड की वेव्स के, जो ध्वनि की वेव्स होती हैं उनको यूज़ करके इमेजेस बनाती है। इसमें एक तरह की मशीन है जिससे ध्वनि की तरंगें निकलती हैं, हम उसे मरीज़ के पेट में या जहाँ भी जांच हो रही है उस एरिया पे लगाते हैं और उससे जो वापस सिग्नल निकलते हैं उनको मशीन कैप्चर करके एक इमेज बनाती है जिससे हमें पता चलता है कि मरीज़ के अंदर क्या बीमारी है। और सिंस इसमें हम सिर्फ ध्वनि की तरंगें यूज़ करते हैं तो रेडिएशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका नाम ही अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड मतलब जो साउंड की वेव्स है और अल्ट्रा मतलब जो हम नॉर्मल हमारी हेयरिंग रेंज में होती हैं उससे थोड़ी ऊँच ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं। तो जिस तरीके से ध्वनि की तरंगें हमारे आसपास सब जगह हैं और हम सारा दिन आसपास ध्वनि के से घिरे रहते हैं और वो हमारे को कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, उस तरह अल्ट्रासाउंड भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। कुछ एक सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जैसे बहुत अर्ली प्रेगनेंसी, वहाँ पे हम इसको कम यूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम कलर डॉपलर एक तरीके की जांच है अगर उसको यूज़ करते हैं तो हम उसमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, पर वहाँ पे भी अगर ज़रूरत हो तो ये सेफ है। बट डॉक्टर श्रुति, अक्सर द मिनट यू नो अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, तो अभी फीटस मतलब 2 हफ्ते का भी नहीं होता है एंड वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जाके आप अल्ट्रासाउंड करके लाइए, सो ये क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, शुड वी वेट फॉर सम टाइम या कैसे, मतलब क्या टाइम पे हमारे को एक्चुअली अल्ट्रासाउंड करना चाहिए फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन? गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच की तरह निकल के सामने आया है। पहले हमें पता नहीं चलता था कि माँ के कोख में क्या क्या हो रहा है, आज अल्ट्रासाउंड से हम हर चीज़, उसके हर ग्रोथ का हर पॉइंट देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हम सबसे पहले बच्चे को तब देख पाते हैं जब बच्चा कम से कम 1 महीने से 1 हफ्ता ऊपर यानी 5 वीक्स के करीब का हो जाए। सबसे अर्ली जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो रिकमेंडेड है कि अराउंड 5 to 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने के आसपास हो। okay. ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक तो हमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है भी या नहीं है, दूसरा कि एग्जैक्ट डेटिंग क्योंकि हमारे ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो 6 हफ्ते का होता है उसी के अकॉर्डिंग आगे बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है हम मॉनिटर करते हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो 6 हफ्ते पे होता है वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो हमें पता चल जाए कि वो बच्चेदानी में ही है, कहीं ट्यूब में या बाहर बच्चेदानी से बाहर ना लगा हो, एक वो कि उसकी हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आ गई है, तीसरा डेटिंग जो बहुत ज़रूरी है जो उसकी आगे की ग्रोथ को मॉनिटर करेगी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि वो कितना सेफ है, अगेन मैं उसी बात पे जाऊंगी क्योंकि ध्वनि की तरंगें हैं तो वो बच्चे को अफेक्ट नहीं करती हैं। इस समय पे हम कलर डॉपलर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसमें रंगीन अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं और वो भी 2 महीने के बाद 10 वीक्स के बाद वो भी एक्सट्रीमली सेफ है, उसको रेगुलरली यूज़ किया जा सकता है। ओके डॉक्टर श्रुति, अक्सर अल्ट्रासाउंड को हम लोग कोरिलेट करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन से ही, क्या एडोलेसेंट यानी किशोर अवस्था में कौन कौन से जांच किए जा सकते हैं या कोई जांच होते भी हैं जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें पता चल जाए?
कि क्या है, कैसा है, यू नो जी, किशोरावस्था बेसिकली हार्मोन की चेंजेस पे डिपेंड करती है जी। तो किशोरावस्था में जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा हम अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं उनमें पता चलता है, पर कुछ एक डिजीज़ किशोरावस्था से स्पेसिफिकली रिलेटेड होती हैं, जैसे लड़कों में गायनेकोमेसिया, यानी कि जो उनका स्तन का विकास हो जाता है, नॉर्मल अब नॉर्मल स्तन का विकास हो जाता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा है या कोई और एसोसिएटेड उसके साथ कोई और कोई गांठ वगैरह ना हो। अच्छा। लड़कियों में एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल चल आ रही है जिसमें उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो भी किशोरावस्था में बहुत बहुत कॉमन हो रही है, स्पेशली आजकल जब हम फास्ट फूड की लाइफ में हैं और स्ट्रेस और ये सब चीज़ों से रिलेटेड है, अक्सर लड़कियों में मासिक धर्म की इरेगुलरिटी होती है। और इस चीज़ को हम PCOD कहते हैं। PCOD में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो भी कह लें, दोनों एक ही चीज़ है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले डायग्नोसिस के लिए कि हमें पता तो चले कि उसको PCOD है, दूसरा कि उसकी मॉनिटरिंग, उस पर जब इलाज चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग पे कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है और हम आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा लड़कियों में ओवेरियन सिस्ट बनना, पंचगनी में फाइब्रॉइड होना, स्तनों में दर्द होना या हेवीनेस होना, और ये सब चीज़ें हो सकती हैं किशोर अवस्था में, वो सारी अल्ट्रासाउंड में पकड़ी जा सकती हैं और जांच हो सकती है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग इनका इलाज हो सकता है। डॉक्टर श्रुति, कितना ऑफन हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, क्या कोई मतलब कुछ गैप देना चाहिए या जैसे एक महीने से पहले नहीं कराना चाहिए, कुछ ऐसा है या? चित्र जी, ये बहुत गलत धारणा बनी पड़ी है समाज में। अक्सर मेरे पास भी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मेरी गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा नहीं करानी चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी बताया, ध्वनि की तरंगे है, हम चारों तरफ ध्वनि से घिरे हुए हैं, टीवी देखते हैं तो ध्वनि आती है, रेडियो सुनते हैं तो ध्वनि आती है, फोन सुनते हैं तो भी ध्वनि आती है, तो क्योंकि ध्वनि की तरंगे हैं और अल्ट्रासाउंड भी वही चीज़ यूज़ करता है, तो इट इज़ परफेक्टली सेफ। बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में जब बच्चे को कोई परेशानी हो तो उनमें तो अल्ट्रासाउंड हमें सुबह और शाम भी करना पड़ता है। इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ, ये मैं आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड एक सबसे सेफेस्ट टेक्निक है जो अवेलेबल है डॉक्टर्स के लिए किसी भी बीमारी की जांच के लिए, और इसे एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस आते हैं। राजस्थान के सबसे विश्वसनीय कमर्शियल डेवलपर आरटेक ग्रुप लेकर आए हैं कैपिटल गैलेरिया अलवर, जिसमें है रेडी टू मूव इन दुकानें, ऑफिसेज और स्टूडियो अपार्टमेंट्स, सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ। दुकान मात्र 15 लाख से शुरू, रिलायंस मार्ट की ओपनिंग हो गई है, गोल्ड सिनेमा और रिलायंस ट्रेंड जल्द ही आ रहा है इन कैपिटल गैलेरिया मनुमार। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8287100300। डॉक्टर श्रुति, आपका एक बार फिर स्वागत है 24 TV नेटवर्क पे। अब मैं जानना चाहूँगी कि रेडियोलॉजिस्ट के पास और क्या क्या और कौन कौन से जांच मौजूद हैं, इज़ इट ओनली लिमिटेड टू अल्ट्रासाउंड या और भी कोई आप जांच करती हैं? चित्र जी, रेडियोलॉजिस्ट एक सबसे पहले शुरू हुए थे एक्सरे से, रेडियोलॉजी एक्सरे की जब आविष्कार हुआ था उससे हमें अपने शरीर पहली बार अपने शरीर के अंदर की चीज़ों के बारे में दिखाई देने का तरीका पता चला था, और उससे हड्डियाँ दिखती थी। तो हमारे पास एक्सरे होते हैं, हमारे पास रंगीन एक्सरे होते हैं जिसमें IVP, बेरियम, HSG ऐसे जाँचें हैं जिनमें शरीर के अंदर की ट्यूब्यूलर चीज़ों के बारे में, जिसमें हम दवा डालते हैं और एक्सरे खींचते हैं, तो जो भी खाली ट्यूब्यूलर चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, जैसे आंते देख सकते हैं, बच्चेदानी की ट्यूब्स देख सकते हैं, या जो हमारे गुर्दे और पेशाब की नली होती है, सब चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट के पास CT स्कैनर मशीन्स होती हैं, जिसके बारे में आप सबको पता है, CT स्कैन ब्रेन का, जो किसी भी ट्रॉमा पेशेंट के लिए जीवनदायी हो सकता है,
सीटी स्कैन शरीर के किसी भी भाग का हो सकता है, छाती का, पेट का, पेल्विस का और हड्डियों का भी हो सकता है। और आजकल एमआरआई मशीन्स, एमआरआई भी रेडियोलॉजिस्ट के तत्वावधान में आती हैं। और एमआरआई अगेन अल्ट्रासाउंड की तरह एक बहुत ही वर्सेटाइल मोडालिटी है, जिसमें न सिर्फ हमें हड्डियों के बारे में, सॉफ्ट टिश्यू के बारे में, ब्रेन के बारे में पता चलता है, बल्कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही अर्ली स्टेज पे और बहुत ही सूक्ष्म बीमारियाँ भी पकड़ी जा सकती हैं। लैब के टेस्ट, हर तरह की लेबोरेटरी टेस्ट भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर होता है तो पैथोलॉजिस्ट साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, और हर तरह के ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर श्रुति, आप कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अबाउट अल्ट्रासाउंड जो शायद यू नो हम लोग को मालूम ना हो? से एज अ लेमैन हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इस अल्ट्रासाउंड के बारे में नहीं मालूम है, सो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे अबाउट अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही वर्सेटाइल, सेफ मोडालिटी होती है। इनफैक्ट आजकल तो रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों साथ ही जुड़े जाते हैं, उनको लगता है रेडियोलॉजिस्ट मतलब जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है। अच्छा। पर अल्ट्रासाउंड इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है, क्योंकि एक तो कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ छोटे बच्चों के ब्रेन से लेके गर्दन की कोई भी बीमारी हो, छाती में कोई बीमारी हो, स्तनों में कोई बीमारी हो, पेट की हर तरह की बीमारी, आजकल हड्डियों के और मस्क्यूलोस्केलेटल में भी अल्ट्रासाउंड बहुत बहुत यूज़ हो रहा है। नसों की कोई बीमारी हो जिसमें आपकी नसों में वेरिकोज वेन्स हो रहे हैं या नसें सिकुड़ गई हैं, उन सब में भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। सबसे अच्छी चीज़ अल्ट्रासाउंड की ये है कि इट इज़ सो एक्सट्रीम, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है और कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, सब जगह अवेलेबल है, सस्ता है, क्योंकि सीटी और एमआरआई के कंपैरिजन में अल्ट्रासाउंड के रेट बहुत बहुत कम होते हैं। और इमीडिएटली आपको इंटरप्रिटेशन मिल जाता है उसका, रिपोर्ट सीटी एमआरआई की रिपोर्ट में आपको शायद सुबह से शाम का टाइम लगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अक्सर हाथों हाथ मिल जाती है। डॉक्टर श्रुति, एक सवाल, यू नो आई वॉन्टेड टू आस्क यू, जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में, क्या हम उनके एग्जैक्टली सारे अंक देख सकते हैं? जैसे एक केस ऐसे सामने आया था कि यू नो एक लेडी का अल्ट्रासाउंड 10-15 मिनट तक किया गया था एंड फिर भी वो बच्चा वॉज बॉर्न विद डिफेक्टिव आईज, तो वन आई वॉज डिफेक्टिव। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या हम अल्ट्रासाउंड में देख नहीं पाए उस समय? या जी, अल्ट्रासाउंड कई प्रेगनेंसी में कई स्टेजेस पे किया जाता है, जैसे हमने पहले बात की थी, एक 6 वीक्स का डेटिंग स्कैन होता है, उसके बाद जो रिकमेंडेड है मैं आपसे बताती हूँ, उसके बाद हम इस बात पर आएंगे। उसके बाद डेटिंग स्कैन के बाद एक 12 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड होता है, 12 वीक मतलब तीसरे महीने पे, जिसे हम NT और NV स्कैन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी आज की तारीख में होता जा रहा है, क्योंकि इससे हमारे को अनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं, स्पेशली डाउन सिंड्रोम, उसकी स्क्रीनिंग का टेस्ट है। तो इसमें कोई भी गड़बड़ हो तो हमें शक हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके इलाज के लिए। इसके अलावा इस समय एंटी स्कैन में हम जो उस समय तक बने हुए अंग हैं, गुर्दा, दिल और पेशाब की थैली, ये 3-4 चीज़ें हैं जो उस समय देख सकते हैं, और ये हमारे को आइडिया देते हैं कि आगे कहीं इस बच्चे में इनकी कोई स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी है। इसके बाद 5वें महीने में 18-20 वीक्स के आसपास हम करते हैं Level 2 या TIFA टिफा स्कैन, जिसे हम कहते हैं कि कंजनाइटल एनोमली, अनुवांशिक बीमारियों को जांच करने की। ये जांच सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे अनुसार। आप कोई भी अल्ट्रासाउंड ना कराएं प्रेगनेंट वुमेन का, पर 5वें महीने पे 18 से 20 हफ्ते के बीच में ये वाला अल्ट्रासाउंड हर गर्भावस्था में होना ही चाहिए। इसमें हम बच्चे के हर अंग की जांच करते हैं, ब्रेन, हार्ट, चेस्ट, अब्डोमेन, गुर्दे, हाथ पैर, लिम्स वगैरह, इन सब की जांच करी जाती है। अब
पर जो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आँख में उसको विजन नहीं था, ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड में हमारे को बच्चे की स्ट्रक्चर पता चलता है, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। सो अल्ट्रासाउंड बेसिकली बच्चे का हार्डवेयर चेक करेगा, वो बताएगा कि आँख की बनावट ठीक है, उसके लेंस ठीक है, उसके लेंस में कोई कैटरैक्ट नहीं है, उसकी उसकी ब्रेन में कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है जो विजन, पर उसकी जो नर्व के पाथवेज हैं या उसकी नर्व जो सिग्नल जो आइस में बनता है वो बन के ब्रेन तक पहुंचने वाला जो ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर को अल्ट्रासाउंड नहीं। ओके ओके। और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम, आज का ये एपिसोड ऑन अल्ट्रासाउंड समाप्त होता है। डॉक्टर श्रुति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो 24 टीवी नेटवर्क पे आने के लिए। एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक, अब उनको एक क्लियर विजन हुआ होगा कि व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं होता है, वेरियस डिजीजेस के लिए होता है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच। जी, आपने मुझे बुलाया, स्टूडियो में बुलाया, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहती थी एक एक पेशेंट से बताते हैं तो इतना नहीं लोग पहुँच पाता। आपके कार्यक्रम के माध्यम से अगर मैं कुछ भी लोगों तक पहुँच पाऊँगी तो आई वुड बी ग्लैड। थैंक यू सो मच।